नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी आफ्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जहां टेसा लेटी हुई होती है। फिर वो अपना सामान पैक करती है और अपने कॉलेज के लिए और वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। और अपने कॉलेज पहुँच कर टेसा और उसकी मॉम हॉस्टल रूम ढूंढती है और उसके न्यू रूममेट से मिलती है, जिनमें से एक स्टेफ होती है और एक ट्विस्टर होती है। टेसा अपनी मॉम एंड नोवा से मिलवाती है। तब टेसा की मॉम उसे वहाँ से रूम शिफ्ट करने का बोलती है क्योंकि वो उसके साथ डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। पर टेसा उन्हें समझाती है और उसकी मॉम उसे छोड़कर वहाँ से चले जाती है। टेसा रूम में आती है तो स्टेफ कहती है कि उसकी मॉम ने उसे पसंद नहीं करा है, तो टेसा ऐसा नहीं है कहती है और स्टेफ वहाँ से चले जाती है। टेसा कॉलेज जाती है जहाँ उसे लंदन मिलता है और वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट होती है। कहानी टेसा के रूम में शिफ्ट होती है जहाँ वो फ्रेश होकर आती है, जहाँ हार्डिन स्टेफ के पलंग पर बैठा होता है। टेसा उसे बाहर जाने का बोलती है ताकि वो चेंज कर सके, पर वो मना कर देता है। तभी स्टेफ आती है, वो टेसा को पार्टी में चलने का कहती है पर वो मना करती है, तो हार्डिन वो नहीं जा पाएगी ऐसा कह रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। कहानी कैफे में शिफ्ट होती है जहाँ टेसा पढ़ रही थी। तभी हार्डिन वहाँ आता है जहाँ दोनों की नज़रें मिलती है और टेसा वहाँ से लाइब्रेरी आ जाती है पढ़ने के लिए। तभी स्टेफ आकर फिर से उसे पार्टी में इनवाइट करती है पर वो मना कर देती है। तब वो फोर्सली टेसा को पार्टी में ले जाती है और रूम में आकर रेडी होकर पार्टी में जाती है। यहाँ स्टेफ उसे सबसे मिलवाती है जहाँ हार्डिन भी होता है एक लड़की के साथ। वो सब टेसा को ड्रिंक करवाते हैं और ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने का कहते हैं, जहाँ टेसा से इंटीमेट के बारे में पूछते हैं तो वो पता चलता है कि टेसा अभी वर्जिन है। तब सब चौंक जाते हैं, फिर उसे हार्डिन को किस करने का डेयर देते हैं पर वो मना करके बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर नोवा से बात करने लगती है। ऊपर रूम में आती है जहाँ वो बुक पढ़ती है। वो रूम हार्डिन का होता है और वो वहाँ आ जाता है और टेसा से फ्लर्ट करता है और किस करने लगता है, पर टेसा उसे मना करके बाहर आ जाती है और रूम में आकर नोवा से मैसेज में बात करती है। नेक्स्ट डे टेसा क्लास में जाकर लंदन से बात बैठती है। तभी क्लास टीचर हार्डिन से क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर वो अच्छे से देता है। तभी टेसा उसका अपोज करती है और आंसर देती है। क्लास के बाहर आकर हार्डिन उसे बात करता है तो टेसा उसका बॉयफ्रेंड है ऐसा बोलती है। तब हार्डिन वहाँ से चला जाता है। टेसा लंदन से हार्डिन के बारे में बात करती है तो वो बताता है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है। कहानी शिफ्ट होती है जहाँ स्टेप। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। टेटू बनवा रही होती है और टेसा को भी कहती है पर वो मना कर देती है। टेसा कॉफ़ी पीने आती है तो हार्डिन उसे बात करने आता है और वापस से दोनों की दोस्ती शुरुआत होती है और साथ में घूमने चलने का बोलता है, पर टेसा पहले तो मना करती है फिर उसके साथ चले जाती है और वो दोनों कार से एक लेक में आते हैं जो हार्डिन की पसंदीदा जगह होती है। हार्डिन कपड़े उतार कर तैरने चला जाता है और टेसा को भी तैरने बुलाता है, तो टेसा हार्डिन को टी शर्ट पहन के स्विमिंग करने जाती है और वो दोनों तैरते हुए बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। जहाँ हार्डिन टेसा से फ्लर्ट करता है और दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और बाहर निकल के अच्छे पल बिताते हैं। फिर वो दोनों बाहर खाने आते हैं। तब टेसा हार्डिन के बारे में और जानकारी लेती है और बोलती है, तुम प्यार में भरोसा नहीं करते हो। तभी हार्डिन के कुछ दोस्त आ जाते हैं तो हार्डिन टेसा को वेट करने का बोलता है। तभी टेसा बोलती है कि वो उसके दोस्तों के सामने मेरे साथ अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा था, जिस पर वो बात को टाल देता है। तो टेसा उनके बीच की बातें नोवा को बताने का कहती है, तो हार्डिन कहता है कि वो डेट नहीं करता है, जिससे टेसा को गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और रूम में आकर सो जाती है। तभी उसके सपने में हार्डिन आता है और वो उसे उठ जाती है। सुबह नोवा उसे सरप्राइज देता है और वो दोनों साथ में पार्टी में आते हैं जहाँ हार्डिन भी होता है। जहाँ एक लड़का टेसा से बदतमीजी करता है तो हार्डिन उसे मारता है और नोवा घर आ जाता है। जहाँ लंदन का कॉल आता है टेसा के पास तो वो उसके पास जाती है मिलने, जहाँ उसका घर तहस नहस होता है और वो बताता है कि हार्डिन का झगड़ा हो रहा था उसके पापा से। तभी टेसा का नाम आया तो इसलिए उसने उसे बुलाया ताकि हार्डिन को वो समझा सके। तब टेसा हार्डिन के पास जाती है जहां वो उसको उसके बॉयफ्रेंड के पास होने का बोलता है, जिस पर वो नोहा को बीच में लाने से मना करती है।
तब हार्डिन कहता है कि उसके पापा शादी कर रहे हैं जबकि उसकी मॉम लंदन में रहती है। तब टेसा उसे पीने से रोकती है तो वो बोतल तोड़ देता है जिससे टेसा को लग जाती है। तो हार्डिन उसका ट्रीटमेंट करता है और वो रूम में एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और रोमांटिक पल बिताते हैं। सुबह टेसा की आँख खुलती है जहाँ नुहा के साथ मिस कॉल होते हैं, तो वो उसके पास जाती है जहाँ हार्डिन भी होता है, जिससे नुहा समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब टेसा हार्डिन को जाने का बोलती है और स्टेफ को आकर अपने ब्रेकअप को बताती है और टेसा उस सबसे अलग अलग रहने लगती है। तब हार्डिन उसके पास आता है और वो दोनों छत पर बैठकर बात करते हैं और उसे बताती है कि नोआ उसका दोस्त है, साथ ही हार्डिन उससे ज़्यादा है कहती है और दोनों का रिलेशनशिप शुरू होता है और वो दोनों लाइब्रेरी में रात रुकते हैं, साथ ही बुक पढ़ते हैं और साथ में रहने लगते हैं। दोनों रूम में साथ रहते हैं, तभी उसकी मॉम आ जाती है और दोनों को एक साथ देखती है तो टेसा को साथ में ले जाती है और उसकी इस हरकत के लिए उसे बहुत डांटती है और लड़के से ब्रेकअप करने का कहती है, साथ ही पढ़ाई पर फोकस करने का बोलती है। पर टेसा उसकी बात को मानने से मना करती है और उन पर गुस्सा करने लगती है कि हमेशा उनके हिसाब से ही रह रही थी और उसके हिसाब से रहने देने का कहती है। अगर वो यहाँ से गई तो उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और वो लड़का उसका दिल तोड़ देगा और वो चले जाती है, ऐसा कहते हैं। लंदन टेसा को समझाता है कि हार्डिन से संभल कर रहे, वो कॉम्प्लिकेटेड है। तब हार्डिन आकर एक फ्लैट पर ले जाता है और यहाँ साथ में रहने का कहता है, जिस पर वो बहुत खुश होती है और वो दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं और साथ में घूमते हैं अलग अलग जगह जाकर। हार्डिन कहता है कि उसके काबिल नहीं है तो टेसा कहती है कि कोई भी उसकी फीलिंग नहीं बदल सकता है जो उसके लिए है। और टेसा हार्डिन को उसके पापा के शादी के रिसेप्शन में लेकर आती है क्योंकि वो नहीं आना चाहता था, जहां वो लंदन से मिलती है। पर हार्डिन उससे ज़्यादा बात नहीं करता है। लंदन की मोम आकर हार्डिन से मिलती है और टेसा से भी मिलती है। तभी हार्डिन के पापा आते हैं और उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो राइटर बनना चाहती है तो वो उसके दोस्त की पब्लिशर कंपनी में उसे भेज सकता है। हार्डिन टेसा को उनसे मिलवाने देगा, ऐसा कहता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। टेसा हार्डिन को इन्जॉय करने का बोलती है। हार्डिन के पापा उसकी शादी की स्पीच देते हैं जिससे हार्डिन ज़्यादा खुश नहीं होता है और कहता है कि वो बहुत पीते थे। तब टेसा उसके बारे में पूछती है, तब वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उन्होंने नशे में किसी से झगड़ा करा था और वो सब उसके बदला लेने के लिए उसके घर पर आए थे और उन्होंने उनकी मॉम के साथ में जबरदस्ती करी थी, इसलिए वो उनसे ज़्यादा पसंद नहीं करता है। फिर टेसा हार्डिन को डांस करवाने ले जाती है और वो डांस करते हुए कुछ अच्छे पल बिताते हैं और रूम में आकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों बाथ टब में बैठे थे और साथ में बहुत खुश होते हैं। कहानी कॉलेज शिफ्ट होती है जहाँ टेसा वॉशरूम में फ्रेश होती है, तभी एक लड़की आकर नोहा के बारे में पूछती है तो टेसा कहती है कि वो अब साथ में नहीं है। तो वो कहती है कि तुमने जल्दी मूव ऑन कर लिया। और साथ ही हार्डिन के बारे में पूछती है और कहती है कि वो बोल रहा था कि तुम लोग साथ में हो, तो टेसा वहाँ से चली जाती है। टेसा बुक पढ़ रही थी तभी हार्डिन के फ़ोन पर मोली का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुला रही थी, साथ ही टेसा को बताया या नहीं का मैसेज करती है जो टेसा पढ़ लेती है। तभी हार्डिन आता है तो टेसा उससे पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है, तो हार्डिन उसे बिना बताए वहाँ से चला जाता है जिससे टेसा बहुत शौक होती है और हार्डिन का वेट करती है। उसके ना आने पर वो उसे ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे हार्डिन की कार दिखाई देती है जिसमें उसका दोस्त जॉर्ज बैठा होता है। टेसा हार्डिन के बारे में पूछती है तो वो उसे उसका पता बता देता है। जहाँ टेसा जाती है वहाँ उसे स्टेफ एंड मोली मिलते हैं। तब स्टेफ पूछती है कि वो कहाँ से आजकल, तो टेसा बताती है कि वो और हार्डिन दोनों साथ में रह रहे हैं, जिससे सुनकर स्टेफ शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों इतने सीरियस हो। तभी हार्डिन आ जाता है। तब मोली हार्डिन से कहती है कि तुम्हें टेसा को कुछ बताना है। तब हार्डिन टेसा को साथ चलने का कहता है और सारी सच्चाई बता देगा कहता है। तभी मोली कहती है कि तुम्हें ट्रूथ एंड डेयर गेम याद है, और टेसा को हार्डिन एंड उसका वीडियो बताती है जिसमें टेसा हार्डिन को रिजेक्ट करके चले जाती है। तब हार्डिन कहता है कि वो डेयर देता है कि वो टेसा को अपने प्यार में गिरा देगा और उसे छोड़ देगा। तब मोली कहती है कि वो सब गेम है। टेसा ये सब चीज़ सुन के शोक हो जाती है। हार्डिन उसे समझाता है तो वो उसे सही में प्यार करता है, पर टेसा वहाँ से उठ कर चले जाती है। हार्डिन उसे रोकता है पर टेसा उस पर गुस्सा करती है और ये सब झूठ था कहती है और वहाँ से चले जाती है और अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे देखकर सब कुछ समझ जाती है क्या हुआ है, वो पूछती है, जिस पर वो उसे माफ़ी मांगती है। फिर वहाँ से निकल कर नोहा से मिलने जाती है और उससे भी माफ़ी मांगती है और उसे हर्ट करने के लिए। तब नोहा कहता है कि हम बदल जाते हैं, फिर हम ढूंढते हैं कि हम कौन हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, और दोनों हंसने लगते हैं
और वो वहाँ से वापस कॉलेज आ जाती है जहाँ वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती है। वहीं हार्डिन अकेला बैठा होता है और उसके और टेसा के साथ बिताए पलों को याद करता है, और वहीं टेसा को इंटर्नशिप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। क्लास क्लास जब में प्रोफेसर टेसा को हार्डिन का प्रोजेक्ट देती है और कहती है कि ये मेरे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए है। टेसा उसकी थीसिस को पढ़ती है जहाँ उसने उन दोनों के बारे में लिखा था। टेसा लेक के पास बैठी होती है तभी हार्डिन उसके पास आकर आता है और बैठ जाता है, और यहाँ ख़त्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी कहानी।